सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो मॉडुलो पी टेस्ट में बताया था इरिड्यूसिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए। सो वहां पे जो मैं आपको बोला था ना, कुछ कॉशन है जहां पे जब ये टेस्ट अप्लाई करते हैं, बहुत यूजफुल बट बहुत इजी मैं बोलूंगा टेस्ट है, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉशन है। कॉशन मतलब कुछ कन्फ्यूजन रह जाते हैं जिनको मैं हम लोग अगर गलत तरीके से अप्लाई करते हैं अगर इस टेस्ट को ना, तो रिजल्ट हमारा गलत आता है फ्रेंड्स। सो अगर आपको मॉडुलो पी टेस्ट अप्लाई करना है इरिड्यूसिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल के लिए, तो वहां पे करेंगे क्या फ्रेंड्स, जो मैं वो टेस्ट पहले मैं आपको बताता हूं। अगर एफ एक्स मैंने एक पॉलिनोमियल लिया था, ध्यान दीजिएगा किसके ऊपर, जेड एक्स के ऊपर, ठीक है। सो क्या कर रहे थे, मैं एक प्राइम पी ढूंढ रहा था, ठीक है ना, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो ये पॉलिनोमियल ओरिजिनल है ना, इसके कोफिशियंट्स को मैं क्या कर रहा था, मॉडुलो पी कैलकुलेशन करके रिड्यूस कर दे रहा था, और जो पॉलिनोमियल आ रहे थे उसको मैं एफ बार एक्स लिख रहा था, और ये कहाँ का पॉलिनोमियल आ रहा था, जेड पी एक्स का। सो मैं क्या बोला था कि अगर ये पॉलिनोमियल जो एफ बार एक्स है, अगर ये इरिड्यूसिबल है ओवर जेड पी, और कंडीशन एक क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन, इन दोनों की डिग्री अगर सेम आती है ना, तो वो जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है फ्रेंड ना fx, वो क्या हो जाएगी, ओवर क्यूज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इरिड्यूसिबल हो जाएगी। और अगर ओवर क्यू इरिड्यूसिबल हो जाती है तो वो z के ऊपर भी हो जाएगा इरिड्यूसिबल। रिजल्ट है, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और अगर मान लीजिए वो किसी भी रिंग r के ऊपर अगर वो इरिड्यूसिबल है ना, सो रिजल्ट क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, जो इस अगर रिंग आर का अगर मैं बोलता हूँ जो फ्रैक्शन रिंग आती है ना वो, या रिंग ऑफ फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, अगर वो मान लीजिए उसको नोटेशन क्यू आर है, तो वो जो होता है अगर आर के ऊपर वो इरिड्यूसिबल है इफ एंड ओनली इफ वो क्या होता है, क्यू आर के ऊपर। सो यहाँ पे क्या हो गया, मैं पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, देखिए इसके ऊपर जेड, तो ये पॉलिनोमियल अगर क्यू के ऊपर इरिड्यूसिबल है, क्यू है क्या इसका जो है रिंग ऑफ फ्रैक्शन है ना, सो यहाँ अगर जेड पे अगर मैं बात बोलता हूँ, ये z पे अगर इरिड्यूसिबल है तो q पे हो जाएगा, q पे है तो वो z पे हो जाएगा। सो इफ एंड ओनली इफ होता है, सो अगर q पे इरिड्यूसिबल है तो वो z पे भी हो जाएगा। सो फिलहाल जो रिजल्ट हम किए थे उसमें लिखा था हमने क्या, q के ऊपर वो क्या हो जाएगा, इरिड्यूसिबल हो जाएगा। सो q के ऊपर मतलब z के ऊपर होगा वो इरिड्यूसिबल। सो ये कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको बोला था कॉन्सेप्ट की जो बात बोला था कि जहां पे कॉशन है क्या था, दो यहाँ पे कॉशन है इस टेस्ट को अगर अप्लाई करते। फर्स्ट जो है, जो दो कंडीशंस थे ना, कंडीशन क्या क्या था मैं लिखता हूं। पहला कंडीशन क्या था, इस डिग्री ऑफ एफ एक्स जो होगा ना, ये डिग्री ऑफ एफ बार एक्स के बराबर होगा, और दूसरा जो क्या था कि एफ बार एक्स जो होगा ना इज इरिड्यूसिबल होगा, ठीक है, ओवर किसके, जेड पी एक्स के। सो यही पे जो दो जो हमारे मेन क्या बोलेंगे जो कंडीशंस थे ना इस मॉडुलो पी टेस्ट का, ठीक है। सो यही पे वो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहां पे आता है फ्रेंड्स, समझिएगा, अगर ये डिग्री दोनों की सेम नहीं आती है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एफ एक्स की ओरिजिनल डिग्री मान लीजिए 3 है, और जब मैं मॉडुलो पी एक प्राइम लिया और उस प्राइम के करस्पॉन्डिंग जब मैं रिड्यूस कर रहा हूं इस ओरिजिनल पॉलिनोमियल जो है ना उसके कोफिशियंट्स को ना, और वो एफ बार आ जा रहा है ना, तो अगर इसकी डिग्री मान लीजिए कि सेम नहीं हुआ, अगर इसकी डिग्री 3 में लिया हूं तो इसकी डिग्री मान लेता हूं मैं वो क्या हो जाती है, 2 हो जाती है, दोनों की डिग्री सेम नहीं हुई फ्रेंड ना, तो उस केस में क्या करिए, ये आगे वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि ये टेस्ट तभी अप्लीकेबल है जब इन दोनों पॉलिनोमियल्स एफ एक्स और एफ बार एक्स दोनों का डिग्री क्या हो, सेम हो। अगर डिग्री डिफर कर जाता है आगे आपको बढ़ना नहीं है, यहाँ पे आप जो है दूसरे प्राइम नंबर सर्च करेंगे। यही मैं बोला था क्वेश्चन, मान लीजिए फॉर पी इक्वल टू 2 के लिए आपने टेस्ट किया, इसकी डिग्री 3 है और इसकी जब रिड्यूस कर रहा हूं तो इसकी डिग्री मान लीजिए 2 आ जाती है, दोनों सेम नहीं हुआ ना, तो आप क्या करेंगे, ये अब आगे इसको f बार x को रिड्यूसिबल है इरिड्यूसिबल है ये मत आप चेक करिए, यही पे रुक जाइए, अदरवाइज अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो रिजल्ट गलत होगा। सो पहला क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि डिग्री अगर सेम नहीं आती है मैं यही पे रुक जाऊंगा, फर्दर मूव नहीं करूंगा, फिर दूसरे प्राइम नंबर, दूसरे प्राइम नंबर मतलब क्या, अब 3 के लिए ट्राई करूंगा, 3 में भी इस तरह से केस आता है तो अगला प्राइम 5 पे मैं ट्राई करूंगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। सो पहला क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स। अब आते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है, ये जो सेकेंड जो कंडीशन था ना कि अगर एफ एक्स जो है इरिड्यूसिबल है ओवर जेड पी एक्स,
तो वो इम्प्लाई क्या करता है, क्यू के ऊपर जो है ओरिजिनल पॉलिनोमियल जो मेरी एफ एक्स है ना, वो क्या कर जाती है, इरिड्यूसिबल हो जाती है फ्रेंड्स। सो ये इफ एंड ओनली इफ नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। सो अगर ये पॉलिनोमियल जो है ये इरिड्यूसिबल ना होके रिड्यूसिबल हो जाती है फ्रेंड्स ना, कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर ये इरिड्यूसिबल ना होके रिड्यूसिबल हो जाती है तो यहां से ये मत कंक्लूड करिएगा कि ओरिजिनल जो पॉलिनोमियल मेरी एफ एक्स है ना वो भी क्या हो जाएगी, इरिड्यूसिबल हो जाएगी, किसके ऊपर, क्यू के ऊपर, क्योंकि ये गलत होगा। इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर ये इरिड्यूसिबल है एफ बार एक्स ओवर जेड पी एक्स ना, तो वो तभी जाके ओरिजिनल पॉलिनोमियल जो होगी क्यू के ऊपर इरिड्यूसिबल होगी। लेकिन अगर इसी कोई प्राइम लिया और ये पॉलिनोमियल एफ बार एक्स इरिड्यूसिबल ना हो के रिड्यूसिबल हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ओरिजिनल पॉलिनोमियल जो होगी रिड्यूसिबल होगी ओवर क्यू। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स? तो ये दो क्वेश्चन है आपको अप्लाई करना है, ठीक है, ये दो क्वेश्चन है आपको अप्लाई करना है और इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए फिर यहाँ पे जैसे ये अगर एफ बार एक्स रिड्यूसिबल हो जाता है प्राइम मान लीजिए टू के लिए ना, तो यहां से फिर ये रिजल्ट कंक्लूड मत करिए, ये रिजल्ट को छोड़ दीजिए यहीं पे, अगले प्राइम पे फिर मूव करेंगे। इस पे भी मान लीजिए डिग्री सेम आती है लेकिन ये जो है एफ बार एक्स जो है रिड्यूसिबल हो जाती है तो भी कंक्लूड नहीं करेंगे, फिर अगले प्राइम तक जाएंगे। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? समझा पाया कि नहीं? सो ये दो क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है और इन दो जो दोनों क्वेश्चन में बताया, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जो कि वन बाई वन जो है मैं दोनों क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएंगे। सो एक एग्जाम्पल मैं करता हूँ, एक एग्जाम्पल करता हूँ, सेम जो लास्ट में एग्जाम्पल किए थे ना वही एग्जाम्पल। सो लेट एफ एक्स इजकल टू जो हम लिए थे 21x³ - 3x² + 2x + 8, वहां पे मैंने 9 लिया था, बस एक स्लाइड चेंज करूंगा मैं, यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा फ्रेंड्स, 8 ले लूंगा। समझ में आया कि नहीं? सो ये किसका पॉलिनोमियल मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए जेड एक्स का ले लिया मैंने या क्यू एक्स का, जिसमें आपको लेना है जेड एक्स का ले लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस एफ एक्स इरिड्यूसिबल ओवर क्यू, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ फ्रेंड्स। सो यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, मॉडुलो पी टेस्ट लगाना है फ्रेंड्स। सबसे पहला जो मॉडुलो पी टेस्ट लगाना है और मुझे चेक करना है कि क्या ये जो पॉलिनोमियल एफ एक्स लिया है मैंने ना ओवर जेड एक्स, वो क्या क्यू के ऊपर जो है इरिड्यूसिबल होगा। सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो रूल था, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एफ बार एक्स निकालूंगा। एफ बार एक्स क्या करूंगा, प्राइम्स की बात आती है, मैं स्टार्ट क्या करूंगा, आपको जो रूल बताया था बिल्कुल वही रूल, सबसे छोटी प्राइम नंबर से स्टार्ट करता हूं। सो मुझे क्या करना है, रिड्यूस करना है, और आपको पता है हम लोग लास्ट लेक्चर में भी किए थे मॉडुलो, अगर यहाँ पे करेंगे 2 तो 21 को 2 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा वही रिजल्ट होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आता है, तो 1 आ गया मतलब x³, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये देखिए x³। अब आता हूँ 3 को अगर करना है, ध्यान दीजिए अगर आपको पता नहीं -3 है ना, तो अगर निगेटिव नंबर है और मॉडुलो किसी भी प्राइम पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे वो प्राइम ऐड कर दीजिए, मॉडुलो 2 कर रहा हूँ मैं, प्राइम ऐड किया, क्या आ जाएगा -1, और तब तक वही प्राइम ऐड करना जब तक पॉजिटिव नंबर ना आ जाए, फिर से +2 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे भी क्या हो गया x²। यहाँ पे देखिए 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 होगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा आपको बताया था, सो ये हो जाएगा, चलिए मैं लिख देता हूँ 0 × x + ये 8 है, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर अगेन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0। सो जो मेरी पॉलिनोमियल है एफ बार एक्स, ओरिजिनल पॉलिनोमियल को मॉडुलो 2 कैलकुलेशन करके रिड्यूस कर रहा हूं, अल्टीमेट क्या हो गया फ्रेंड्स x³ + x²। अब यहां पे जो क्वेश्चन बोल रहा था, पहला क्वेश्चन दोनों की डिग्री सेम है कि नहीं, सो यहां पे देखिए डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या है फ्रेंड्स, ओरिजिनल पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है और डिग्री ऑफ एफ बार एक्स भी देखिए 3 हो गया ना, सो ये भी जो है डिग्री ऑफ एफ बार एक्स, ये दोनों डिग्रीज बराबर हो गए। सो मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। अब मुझे क्या चेक करना है, ये पॉलिनोमियल जो ये जो पॉलिनोमियल एफ बार एक्स है ना वो इरिड्यूसिबल है कि नहीं ओवर क्या जेड पी, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड टू। सो जेड टू क्या है फ्रेंड्स हमारा, जेड टू जो है मेरा 0, 1 है, ठीक है ना। सो मुझे क्या करना है, इरिड्यूसिबिलिटी की बात करते हैं, सो
बिल्कुल फर्स्ट वाला जो टेस्ट किए थे हम लोग, क्या जो ओवर द फील्ड वाला। सो यहाँ पे क्या इसकी डिग्री देखिए, जो ओरिजिनल ये F/X है, इसकी डिग्री क्या हो गई, 3। डिग्री ऑफ F/X क्या हो गया, 3। सो मुझे कुछ नहीं करना है, अगर इस पॉलिनोमियल का इस फील्ड के ऊपर 0 आता है तो ये पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल हो जाएगी, 0 नहीं आता है तो इरिड्यूसिबल हो जाएगी। सो आपको 0 चेक करना है। सो F/0 देखिए, जैसे ही आप F/0 रखेंगे ये 0 आ गया ना, और 0 आ गया इसका मतलब क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, F/X इज क्या आ जाएगा, रिड्यूसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रूट मिल गया ना। सो इज रिड्यूसिबल ओवर क्या, Z2। सो अब क्या इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जो मैं आपको क्वेश्चन बताया, फर्स्ट वाला तो सेटिस्फाई हुआ, ये तो रिड्यूसिबल हो जाएगा। और यही मैं बताया था जो टेस्ट हम लोग पढ़े मॉडुलो पीस, अगर ये इरिड्यूसिबल होता ना, अगर ये इरिड्यूसिबल होता तभी हम बोलते कि ओरिजिनल पॉलिनोमियल ओवर क्यू क्या होगी, इरिड्यूसिबल होगी। लेकिन अगर ये रिड्यूसिबल हो गया तो यहां से कंक्लूड मत करिए, यही मैं आपको बता रहा था क्वेश्चन में, कि अगर ये रिड्यूसिबल हो जाएगा तो यहां से हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो पॉलिनोमियल ओरिजिनल है क्यू के ऊपर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिबल होगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ नहीं था। सो अगर ये रिड्यूसिबल हो गया यही पे छोड़ दीजिए, अगले प्राइम पे आपको चेक करना है। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? लेकिन अगर यही इरिड्यूसिबल हो जाता डायरेक्ट हम बोलते थे कि ओरिजिनल पॉलिनोमियल क्या है, क्यू के ऊपर इरिड्यूसिबल है। मैं समझा पाया? सो यहाँ पे ये रिड्यूसिबल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे यूं बोले ये टेस्ट जो है मॉडुलो पी टेस्ट फेल होता है इस प्राइम नंबर पी इक्वल टू 2 के लिए। कॉन्सेप्ट समझाया कि नहीं फ्रेंड्स? तो अब मैं क्या करूंगा, अगले प्राइम पे जाऊंगा। सो अगली प्राइम जो है मेरी, अगली प्राइम क्या है, अगली प्राइम में पी के बाद पी इक्वल टू 2 के बाद मैं क्या लूंगा, पी इक्वल टू 3। अब यहाँ पे फिर से F/X निकालने की कोशिश करिए, मॉडुलो 3 कैलकुलेशन है फ्रेंड्स। सो यहां से देखिए, 3 से डिवाइड करेंगे 21 को, 7 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो यहाँ पे जो कोफिशियन चेंज हो रहा है मॉडुलो 3 वो 0 हो गया। यहाँ पे भी देखिए 3 है ना, सो यहाँ पे देखिए ये -3 है, और जिसका मतलब मुझे पॉजिटिव करना है तो ये मैं 3 ऐड कर दूंगा तो क्या हो गया, 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 एक्स स्क्वायर। ये 2 है, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे चूंकि 2 3 से छोटा है, तो रिमाइंडर वही आ जाएगा 2 ही, तो 2 एक्स स्क्वायर। 8 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2। सो अल्टीमेट मेरी जो पॉलिनोमियल आ जाएगी ये एक्स होगा ना, सो 2x+2। ठीक है फ्रेंड्स? अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था, जब मैं मॉडुलो पी टेस्ट तभी लगा पाऊंगा जब दोनों ओरिजिनल और F/R रिड्यूस करने के बाद जो पॉलिनोमियल आ रही है उन दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो यहां पे मैं देख रहा हूं डिग्री ऑफ F(x) क्या है, ये 3 है ना, डिग्री ऑफ F(x) 3 है, और यहां पे इसकी डिग्री क्या हो जा रही है, F/X की 2 हो जा रहा है, देखिए सॉरी इसकी डिग्री क्या हो जा रही है, 1 हो जा रही है। तो ओरिजिनल की डिग्री 3 और जो F/R रिड्यूस किया उसकी डिग्री 1 हो गई। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिग्री सेम नहीं हुआ, और सेम नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ, इस प्राइम के लिए आगे मैं चेक नहीं करूंगा। मेरा यही पे डिग्री जब सेम नहीं हुआ तो एक ये जो क्वेश्चन फर्स्ट बताया था मैंने, डिग्री सेम नहीं हुआ मतलब अब आगे नहीं बढ़ेंगे। सो ये प्राइम के लिए भी यही पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, या यूं बोलिए कि इस पर्टिकुलर प्राइम नंबर 3 के लिए मेरा टेस्ट जो होता है मॉडुलो पी टेस्ट फेल होता है। अब क्या करूंगा फ्रेंड्स, आगे प्राइम के जाऊंगा। सो अब मैं आता हूं फॉर पी इक्वल टू 5। अब 5 के लिए मॉडुलो टेस्ट में लगाऊंगा। सो F/X मॉडुलो टेस्ट के लिए रिड्यूस करना है, 5 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर क्या होगा, 1, तो हो जाएगा x³। अब देखिए -3 है, सो -3 को मुझे तब तक पॉजिटिव न हो क्या करना है, मुझे इसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करूंगा उसके लिए क्या करूंगा, जो मॉडुलो कैलकुलेशन है ना उसको मैं ऐड करूंगा। तो यहाँ पे मॉडुलो 5 है, ऐड किया आपने क्या आ गया 2, सो प्लस ये हो गया 2x², ये देखिए 2 है तो 2x ही हो जाएगा, प्लस 8 को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? ठीक है, अब मुझे क्या हुआ, अब यहाँ पे मैं देख रहा हूं डिग्री ऑफ F(x) जो है ये डिग्री ऑफ F/X के बराबर हुआ कि नहीं, इसकी भी 3rd डिग्री आ रही है, ओरिजिनल पॉलिनोमियल की भी डिग्री क्या है, 3rd डिग्री। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल है Z5 के ऊपर कि नहीं। सो आपको पता है Z5 होता क्या है, 0 1 2 3 4। सो अब मैं क्या करूंगा,
पहले एफ बार आप जीरो चेक करूंगा, और एफ बार आप जीरो अगर चेक करेंगे, आप जीरो रखिए, ये जीरो 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 क्या हो गया, थ्री, जीरो नहीं हुआ। एफ बार आप वन निकालिए, आप अगला नंबर वन, सो वन रखेंगे तो वन प्लस टू प्लस टू प्लस थ्री, तो कितना हो जाएगा, फाइव थ्री एट हो जाएगा, ठीक है ना, एट हो गया, तो ये थ्री आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ टू कैलकुलेट करिए, टू रखेंगे एक्स की जगह तो ये हो जाएगा एट, यहाँ पे टू रखेंगे तो ए भी हो जाएगा एट, यहाँ पे टू रखेंगे तो फोर, और ये हो गया थ्री, सो ये हो जाएगा आपका सेवन। सो ये क्या हो जाएगा टू, और ये हो जाएगा ट्वेंटी टू होगा क्या, नहीं ट्वेंटी थ्री हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया ट्वेंटी थ्री, और मॉडुलो फाइव कैलकुलेशन करेंगे, थ्री नॉट इक्वल टू जीरो। इस तरीके से आप एफ बार आप थ्री कैलकुलेट करिएगा, एफ बार आप फोर कैलकुलेट करिएगा। मैं बता देता हूं, ये सॉल्व एग्जांपल है, मैं बता देता हूं ये जीरो नहीं होगा। सो देखिए क्वेश्चन की जो बात कर रहे थे, पहला केस जब मैं प्राइम लिया, डिग्री तो सेम आ रहा था, लेकिन जो पॉलिनोमियल है Z2 के ऊपर क्या हो जा रही थी, रिड्यूसिबल हो जा रहा था। सो पी टेस्ट, मॉडुलो पी टेस्ट में रिड्यूसिबल के लिए कोई जगह नहीं है। इरिड्यूसिबल अगर ये होगा तभी ओरिजिनल पॉलिनोमियल Q के ऊपर क्या हो जाएगी, इरिड्यूसिबल होगी। सो ये टेस्ट क्या हुआ, P इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे फेल होता है। फिर मैं क्या करूंगा, आगे प्राइम P बराबर 3 के लिए गया, यहाँ पे मैं देखा कि दोनों की डिग्री ही नहीं, फर्स्ट कंडीशन जो थी वही सेटिस्फाई नहीं हुआ, डिग्री ही सेम नहीं हुआ। सो यहाँ पे भी क्या हो गया, जो P इक्वल टू 3 के लिए जो मॉडुलो P टेस्ट है वो भी क्या हो गया, फेल हो गया। अब अगले प्राइम के लिए गए, अगला प्राइम 5 पे गए, जो पॉलिनोमियल आई दोनों की डिग्री सेम हुई ओरिजिनल और एफ बार एक्स की, और मैं देख रहा हूँ कि एफ फाइव के ऊपर ये पॉलिनोमियल जो होगा कोई रूट नहीं मिल रहा है, तो जो फर्स्ट टेस्ट किया था इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, थ्री है, और इसका कोई रूट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो एफ बार एक्स है ना इज इरिड्यूसिबल, इरिड्यूसिबल ओवर क्या फ्रेंड्स, जेड फाइव के ऊपर ये इरिड्यूसिबल हो गया। अब यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ मॉडुलो पी टेस्ट, सो बाई मॉडुलो पी टेस्ट, बाय मॉडुलो पी टेस्ट जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है ना, ओरिजिनल पॉलिनोमियल ये एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर किसके फ्रेंड्स, ओवर क्यू, और क्यू के ऊपर हो जाता है इरिड्यूसिबल तो वो जेड के ऊपर भी हो जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स मैं ये समझा पाया, आप प्लीज इस वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। आई होप फ्रेंड्स आपने पॉज करके नोट किया। अब देखिए जो पूरा पूरा क्वेश्चन था मैं पहले आपको बता दूं, दो ही कंडीशन से मॉडुलो पी टेस्ट में जो कंडीशंस थे वो दो ही थे। पहला कंडीशन क्या था कि कोई प्राइम पी लूंगा, वहां पे मैं क्या करता हूँ ओरिजिनल जो पॉलिनोमियल एफ एक्स दी है उसके जो कोफिशियंट्स है ना मॉडुलो पी कैलकुलेशन करके मैं रिड्यूस करता हूँ, और जो पॉलिनोमियल आती है एफ बार एक्स, तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। अगर डिग्री सेम नहीं है फ्रेंड्स तो आगे टेस्ट मत जाइए, यहाँ पे क्या होता है आपका मॉडुलो पी टेस्ट फेल हो जाता है। जैसे इस केस में पी इक्वल टू 3 के लिए हुआ, डिग्री मैंने मेरा जो है सेम नहीं आया, मतलब ये पी इक्वल टू 3 के लिए मॉडुलो पी टेस्ट फेल हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है, डिग्री तो सेम आती है एफ एक्स और एफ बार एक्स की, लेकिन ये जो एफ बार एक्स है ना वो क्या हो जाती है, रिड्यूसिबल हो जाती है किसके ऊपर फ्रेंड्स, जेड पी एक्स के। तो उस केस में क्या होता है, हम कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि कंक्लूजन हम तभी निकालेंगे जब ये इरिड्यूसिबल होगी, लेकिन अगर रिड्यूसिबल है तो कोई कंक्लूजन नहीं, यहाँ पे उस पर्टिकुलर प्राइम के लिए ये मेरा टेस्ट क्या होता है, फेल हो जाता है। जैसे पहला केस पी इक्वल टू 2 के लिए डिग्री तो सेम थी, लेकिन ये जो पॉलिनोमियल एफ बार एक्स आई ना वो क्या हो जाती है, रिड्यूसिबल हो जा रही थी उस किसके फील्ड के ऊपर, जेड टू के ऊपर, तो यहाँ पे पी इक्वल टू 2 के लिए टेस्ट फेल हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स। अब इस तरह से आप अगले प्राइम्स के लिए बढ़ते जाएंगे। सो मैं आप जैसे ही देखे हम लोग 2 और 3, इसके बाद 5 पे गए, दोनों की डिग्री सेम आई और ये जो पॉलिनोमियल ओरिजिनल थी वो इरिड्यूसिबल हो जाती है ओवर जेड फाइव। तो यहां से मैं मॉडुलो पी टेस्ट चेक कर सकता हूँ कि ओरिजिनल पॉलिनोमियल जो मेरी एफ एक्स है ना वो क्यू के ऊपर क्या हो जाती है, इरिड्यूसिबल हो जाती है, और क्यू के ऊपर इरिड्यूसिबल है मतलब जेड के ऊपर भी हो जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स ये मैं कॉन्सेप्ट समझा पाया आपको, जो आपका क्वेश्चन था बेसिकली मैं आपको पहले ही बोला था जब ये टेस्ट बता रहा था आपको मॉडुलो पी कि है बहुत इजी, बहुत जगह ये अप्लाई कर सकते हैं कंपटीशन पॉइंट जो
पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं, लेकिन आपको कॉशन ये रखना है, ये जो दो कॉशन मैंने बताया, सो इसको ध्यान में रख के अब जो है आप जाइए कोई भी क्वेश्चन उठाइए एक्सरसाइज से, सॉल्व एग्जांपल नीट के लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन, वहाँ पे जो पॉलिनोमियल की इरिड्यूसिबिलिटी की बात करता है, जहाँ जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यह मॉडलो पी टेस्ट आप अप्लाई करिए फ्रेंड्स। और आई होप मैं ये समझा पाया, मेरा जो एफर्ट था, मैं जो बताना चाहता था आपके पास पहुँच पाया। सो फ्रेंड्स अब इसके बाद जो है हम लोग करेंगे, मैं आपको बताया था एक सिंगल टेस्ट है यूएफडी के ऊपर, जितने भी टेस्ट अभी तक किए आप ध्यान दें तो हम लोग मैक्सिमम वहाँ पे या तो फील्ड यूज़ कर रहे थे या तो फील्ड डायरेक्ट फील्ड के ऊपर जो है जो पॉलिनोमियल ले रहे थे वहाँ पे जो है ये टेस्ट थे, लेकिन यूएफडी के ऊपर, ठीक है ना, यूएफडी के ऊपर एक ही टेस्ट होता है जिसको मैं पहले ही बताया था आपको, आइसेंटीन क्राइटेरिया। सो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स अभी तक जो बताया आपको समझ में आया, फिर से बोलूँगा इस पूरे चैप्टर को मैं आपको बोला कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक जो है कन्फ्यूजन बना रहता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड सर्किल बनाइए आप, वहाँ से फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करिए पहला, और दूसरा चीज़ ये स्टैंडर्ड बुक फॉलो करिए और वहाँ से सॉल्व एग्जांपल, फिर उसके बाद एक्सरसाइज अपने से करने की कोशिश करिए। और तरीका यही होगा, फिर से मैं बोलूँगा नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी सिंगल बुक के पीछे ना भागें, स्टैंडर्ड बुक हर एक पेपर के लिए आपको फॉलो करना है जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। सो आई होप फ्रेंड्स जो मैं बताना चाहता था आपके पास पहुँच पाया। सो थैंक यू वेरी मच।